क्वेश्चन नंबर 19, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ये चित्र हमने बना दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, उन सबका मान ये दिया हुआ है। चक्रीय चतुर्भुज, पहले हम लोग ये जान लें कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। देखिए ये वृत्त है, वृत्त पर चार बिंदु स्थित हैं और इनको मिलाने से जो चतुर्भुज बना है, इस प्रकार के चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब कोण ए का मान दिया हुआ है 4y+20, बी का मान दिया 3y-5, सी का मान -4x और डी का मान -7x+5, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इन सभी कोणों का ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। चक्री चतुर्भुज में एक कंडीशन होता है कि चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो उसी का प्रयोग हम लोग इसमें करेंगे। तो आमने सामने का कोणों का योगफल मतलब ए के सामने सी, बी के सामने डी, इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। यानी कि यहां पर कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, कोण ए का मान 4y+20 और प्लस सी का मान -4x, छोड़िए इसको ऐसे कर देते हैं, -4x बराबर 180। 20 को उधर भेज दें और 4 कॉमन ले लें, तो y-x बराबर 180-20 बराबर 160, और 4 से भाग करें अगर इसमें तो हमको मिलेगा y-x बराबर 40। इसी प्रकार कोण बी प्लस कोण डी कर दें, कोण बी प्लस कोण डी बराबर कोण बी 3y-5 बराबर 180 अंश, तो 3y-5 और प्लस डी का मान -7x+5, यहां पर ऐसे -7x+5 बराबर 100, तो ये कट गया, तो 3y-7x बराबर 180 अंश, समीकरण नंबर 2। अब यहां पर देखिए 7 है, यहां पर 7 का अगर गुणा कर दे समीकरण नंबर 1 में 7 से गुणा करके समीकरण नंबर 2 में से घटाने पर, समीकरण 1 में 7 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, तो 2 को पहले ऊपर लिख दें, 3y-7x बराबर 180 और 7y-7x बराबर 280, माइनस प्लस माइनस ये कटा, तो -4y बराबर -100, तो 4 से भाग कर दें, माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 100/4 बराबर 25। वाई का मान इसमें रखते समीकरण 1 में, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो वाई का मान 25 माइनस एक्स बराबर 40, एक्स को इधर 40 को इधर, तो पक्षांतर करें तो 25 माइनस 40 बराबर x या x बराबर -15, तो x और y के मान निकल गए, तो देखिए आप कोण निकालेंगे, कोण a बराबर कितना है 4y+20 बराबर कितना, यहां पे सकते 4 × y का मान 25 माइनस 20 बराबर 100, -20 80 डिग्री, कोण बी 3y, यहां पर देखिए
प्लस है ना यहाँ पर 120, और यहाँ पर हो जाएगा 3 × 25 माइनस 5, 25 तीन 75 में से 5 जाएगा, तो 70 डिग्री। कोण सी बराबर माइनस 4x। अब x का मान रखेंगे, ये तो y का मान हो गया, अब x का मान तो माइनस 4 × −15 यानी कि 60 डिग्री। कोण d बराबर माइनस 7x प्लस 5 बराबर माइनस 7 × −15 प्लस 5, तो 15 × 7 = 105, ये प्लस में हो जाएगा, 105 प्लस 5 बराबर 110 डिग्री। अब चारों कोणों को जोड़ लीजिए, देखिए 120, 190, 250 और 360, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होना चाहिए। तो ये हो गया चारों कोणों के मान। क्वेश्चन 20, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है, एक कक्षा है उनको कतार में खड़ा करना है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो 1 पंक्ति कम होती। जैसे लाइन लगानी है तो ये कह रहा है कि अगर कहीं 3-3 बच्चों को ज्यादा एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता तो जितनी लाइन लग रही है, जितनी पंक्तियां बन रही हैं उसमें 1 पंक्ति कम होती। जैसे मान लीजिए 5 पंक्ति बन रही है तो 4 ही बनती, कब, जब हर पंक्ति में 3-3 बच्चों को ज्यादा खड़ा किया जाता। और फिर यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, यानी हर पंक्ति में 3-3 बच्चों को हटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो 2 लाइन और बनानी पड़ेगी। ये कह रहा है कि जब 3 अधिक अधिक खड़ा कर दें तो 1 लाइन कम बनानी पड़ रही है, और जब 3-3 बच्चों को कम खड़ा किया जा रहा है, जितना खड़ा होना चाहिए उससे 3-3 कम किया जा रहा है, तो 2 लाइन और अधिक बनाना पड़ रहा है। तो कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सिर्फ यहाँ पर तो एक ही चीज अनुन दिखा रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या, तो सिर्फ इसी को हम मानने से हमारा काम नहीं चलेगा। यहां पर हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग ये माने कि माना एक पंक्ति में खड़े होने वाले विद्यार्थियों की संख्या x है और कुल पंक्तियों की संख्या y है। अब जैसे भाई देखिए, अब इसमें चार चार हमने बिठाया, एक लाइन में चार चार खड़ा किया और कुल लाइन, जैसे मान एक लाइन और बना लेते हैं 5 लाइन। तो अगर कहीं हम ये कहें कि बताइए कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन में कितने विद्यार्थी हैं, 4, और कुल कितनी लाइन है, 5, यानी कि कुल विद्यार्थी 20 है, ठीक है ना, कुल विद्यार्थियों की संख्या 20 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कैसे पता चलेगा, एक पंक्ति में खड़े होने वाले विद्यार्थियों की संख्या गुणे कुल पंक्तियों की संख्या, ठीक है। अब अगर कहीं ये मान ले कि एक पंक्ति में x विद्यार्थी है, ठीक है, और कुल पंक्तियों की संख्या मान लिया कि y है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक्स वाई, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक्स वाई हो जाएगी। तो यही हम मानेंगे, माना एक पंक्ति में खड़े होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, ये तो एक पंक्ति में इसमें खड़े होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, और पंक्तियों की संख्या बराबर y। तो अगर कहीं हम विद्यार्थियों की संख्या पता करना हो तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो यहां आप लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या बराबर एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या और गुणे पंक्तियों की संख्या, एक्स वाई हो गया। ये हमारा कंडीशन कब है, जब हम प्रत्येक
पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या को घटा बढ़ा नहीं रहे हैं या पंक्ति की संख्या घटा बढ़ा नहीं रहे हैं तब। अब पहला कंडीशन कह रहा है कि यदि पंक्ति में तीन विद्यार्थी अधिक होते, एक लाइन में तीन विद्यार्थियों की संख्या, हर लाइन में तीन तीन विद्यार्थियों की संख्या बढ़ा दी गई, तो जो जितनी लाइन बननी थी उससे एक लाइन कम बनानी पड़ रही है। तो यहां पर लिखेंगे तीन विद्यार्थी, सॉरी पहला वाले में अधिक है, तीन विद्यार्थी ये जो तीन विद्यार्थी अधिक की बात कर रहा है, ये हर लाइन की बात कर रहा है, हर पंक्ति की। तीन विद्यार्थी अधिक होने पर एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस थ्री। हाँ देखिए, तीन विद्यार्थी अधिक होने पर एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, x प्लस थ्री, और पंक्तियों की संख्या घट करके हो जा रहा है y माइनस वन। ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या बराबर यही पंक्ति गुणे विद्यार्थी, ये एक लाइन में जितने विद्यार्थी हैं अगुणे पंक्तियों की संख्या। तो x प्लस थ्री वाई माइनस वन। अच्छा देखिए, विद्यार्थियों की संख्या यही रहेगी भाई, उन्हीं विद्यार्थियों को ना पंक्तियों में खड़ा किया जा रहा है, तो विद्यार्थियों की संख्या तो बदलनी नहीं है। हाँ ये है कि उनको पंक्तियों में खड़ा होने का ढंग बदलना है, किसी पंक्ति में किसी बार पंक्ति में कम संख्या खड़ा कर रहे हैं, किसी में पंक्ति में जो है संख्या ज्यादा खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला जुला करके उन्हीं विद्यार्थियों की, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या नहीं बदलेगी, तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या एक्स वाई रहेगी। ये इधर इसमें गुणा करें तो एक्स वाई माइनस एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री, ये कट गया, तो थ्री को इधर भेजेंगे तो माइनस एक्स प्लस थ्री वाई बराबर थ्री, समीकरण नंबर एक। अब कह रहा है कि यदि पंक्ति में तीन विद्यार्थी कम होते, हर लाइन में अगर तीन तीन छात्रों को कम खड़ा किया जाता तो अब लाइन ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो दो पंक्ति अधिक बनानी पड़ रही है। तो तीन विद्यार्थी कम, होने तथा दो पंक्ति अधिक होने पर, जब ऐसा कंडीशन हो जाए जब तीन विद्यार्थी कम हो रहे हैं और दो पंक्ति ज्यादा बन रही है, तो उसमें क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या बराबर देखिए विद्यार्थी तो x माइनस तीन और पंक्ति में दो पंक्ति बढ़ रहा है तो y प्लस टू, इधर हो जाएगा एक्स वाई बराबर एक्स वाई प्लस टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स, ये कट गया, छह को उधर भेजेंगे तो टू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर सिक्स, समीकरण नंबर दो। तो ये प्लस थ्री वाई माइनस थ्री वाई जोड़ दें, वन प्लस टू, तो टू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर सिक्स, और माइनस एक्स प्लस थ्री वाई, माइनस एक्स प्लस थ्री वाई बराबर थ्री, तो ये कट गया, यहां हो गया एक्स बराबर नौ। अब x का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर
एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस नौ प्लस थ्री वाई बराबर थ्री, तीन को उधर भेज दें, थ्री वाई बराबर बारह, दिस इंप्लाइज वाई बराबर कितना हो जाएगा चार। और देखिए पूछ कह रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या बराबर एक्स वाई है, एक्स का मान कितना, तो एक्स का मान नौ और गुणे वाई का मान चार बराबर छत्तीस, विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी छत्तीस, ये आंसर हो जाएगा।